शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, नेक तमन्नाओं के साथ मेरी तरफ़ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन तंदूरी सालन। उसके लिए यहाँ मैंने तकरीबन 500 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन ली है। ये देखें इस तरह से उसके छोटे छोटे पीसीस जो हैं वो मैंने कर लिए हैं। इस तरह काट के उसको थोड़े हाफ़ छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। यहाँ मैंने उसके लिए लिए हैं हाफ़ कप के हाफ़ चमचा जो है ये मैंने नमक लिया है, 1 टेबल स्पून पिसी हुई मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टेबल स्पून फूड कलर लिया है मैंने थोड़ा सा। यहाँ मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा और भुना कुटा हुआ धनिया 1/2 टेबल स्पून ये लिया है। 2 प्याज जो थी वो मैंने उसको काट के ब्राउन कर लिया था, और उसको ब्राउन करने के बाद देखें इस तरह से मैंने उसको क्रश कर लिया है। यहाँ मैंने 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, 2 चमचे जो है यहाँ मैंने बेसन लिया है, और ये 1/2 कप दही है, और 2 अदर टमाटर। तो आइए इसको मैरिनेट करते हैं। जी देखिए यहाँ मैं ये लहसुन अदरक जो है ये इसमें ऐड कर रही हूँ, इसको इसमें हम मैरिनेट करके रख देंगे। तो उसके बाद ये जितना मसाला है जो मैंने आपको भी बताया है, नमक, पिसी हुई मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, गरम मसाला, फूड कलर, धनिया भुना हुआ और पिसा कुटा हुआ ज़ीरा, उसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये जो दही है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी, और ये क्रश की हुई प्याज जो है ये ऐड कर दूँगी। हमें इसमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए तो इसलिए अभी मैं इसकी इसको मैरिनेट करके रखते हैं, और उसके बाद जब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो उसमें, क्योंकि हमने सारी प्याज वगैरह भी इसमें ही ऐड कर दी है, और अब मैं प्याज टमाटर जो है जब उसकी टमाटर की प्यूरी बनाऊंगी और उसके बाद फिर इसमें ऐड करूंगी। अभी हम इसको तकरीबन 1-2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करके रख देते हैं, तो इसका फ्लेवर मसालों का इसमें रच बस जाएगा, तो ये बहुत अच्छे से बन के तैयार होगा। बहुत मज़े की रेसिपी है, ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। इसमें जो है वो कोयले की धुनी लगाएंगे, तो ये कोयला जो है ये मैंने काफ़ी देर से गरम करने के लिए इसमें रख दिया था। इसमें थोड़ा सा जी, हमने यहाँ पर जो प्याज लाल करी थी, प्याज को ब्राउन करा था, उसी ऑयल में हम अब ये टमाटर की प्यूरी जो है वो ऐड कर देंगे, ताकि इसमें थोड़ा सा जो है मसाला जो है वो हो जाए, क्योंकि हमें बिल्कुल सूखा सूखा सालन सा नहीं रखना है, हमें इसमें थोड़ी ग्रेवी चाहिए, तो हम उसके हिसाब से ये रेसिपी बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ मैंने थोड़ी टमाटर की प्यूरी ले ली थी, अब ये मैं इसको टमाटर को अच्छे से भूनूंगी, और फिर जब ये भून जाएगा तो फिर इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। जी देखिए यहाँ हमने जो टमाटर जो थे वो सौते करने के लिए डाले थे, तो अब ये थोड़े थोड़े से ये गल गए हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने इसकी प्यूरी बना ली थी। अब यहाँ मैं ये चिकन जो है ये ऐड कर रही हूँ, ये जो मैरिनेट की करके रखी थी इसमें हमने धुनी भी लगा दी थी, ये देखें। देखें इसको अच्छे से इसमें जो है हम भून लेंगे, ताकि हमारा थोड़ा ग्रेवी टाइप जो है ये चिकन बन के तैयार हो। देखिए बहुत मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, ट्राई कीजिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स पास कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि मेरे जल्दी से 1K हो जाएं। देखिए कितना अच्छा सा मसाला बन रहा है, मसाला भून के तैयार हो गया है, ऑयल भी इसमें सेपरेट हो गया है, ये देखिए कितना अच्छा सा बना है ये। इसकी हम इसको हमने मैरिनेट करके रख दिया था, तो ये चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गई है, ये देखिए, ये देखिए ये बिल्कुल गल गई है चिकन भी। अब हम यहाँ इस स्टेज पर यहाँ
चमचे मैंने ये वाले टेबल स्पून के करीब बेसन लिया था, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। उसकी जो है इसमें अच्छे से इसको चमचे की मदद से फेंट लें, इसमें कोई लम्स ना रह जाए। देखिए मैं अब ये बेसन जो है ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। ये देखें इस तरह करके हम थोड़ा सा बेसन जो है इसमें मिलाएंगे तो इसमें थोड़ी सी ग्रेवी आ जाएगी। आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके पास जितना गोश्त है क्वांटिटी के हिसाब से कितना बेसन मिलाना है। मुझे इसमें ये इतना ही बेसन काफ़ी लग रहा है। जैसे हम नहारी में लगाते हैं आटा, इस तरह हम इसमें लगाएंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए चिकन ग्रेवी मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इस पे मैं यहाँ थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दूँगी। ये देखिए और ये खाने में बहुत लजीज होता है। इसको ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स पास करें दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। अगर आप मेरी वीडियो देखने वाले अभी नए हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और देखें ये कितना मज़ेदार बना है। अभी कितना अच्छा सा ये देखें टेंडर हुआ है। ये देखें ये बिल्कुल बोटी बिल्कुल अच्छी सी गल गई है। देखिए इसके साथ अगर हम ये अनियन जो है यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो और भी लजीज इसका टेस्ट आएगा। अनियन खीरा और सलाद के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स पास करें। फिर आने वाली नई वीडियो के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।